हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को हर संडे को ग्रुप डी 2018 में जो जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स में है, मैं उनका स्पेशल इंटरव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी संडे है दोस्तों, तो ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करें जो अभी 2021 में होने वाली है, ठीक है, उसका मैं आप लोग को बताना चाहिए। सर से पूछते हैं इन्होंने कैसे तैयारी की, ठीक है। तो सर, आपका गुड नेम क्या है? सर, केदारनाथ कनौजी है। अच्छा सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बलौदाबाजा जी डिस्ट्रिक्ट से करता हूँ, छत्तीसगढ़ से, प्लारी के पास है गांव। जी जी। तो सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है जी, वो ट्रिपल ई ब्रांच से किया था। अच्छा जी सर। तो सर, आपने ये जो एग्ज़ाम थी ग्रुप डी 2018 की दिलाई है जी सर, तो इसकी प्रिपरेशन तैयारी कैसे करें? देखिए, इसकी तैयारी करने के लिए मैंने इसका स्पेशल तैयारी नहीं किया था जी, लेकिन मैं पहले से पीएससी का तैयारी कर रहा था, तो फिर उस तैयारी करते करते करते, लेकिन तैयारी मेरा पहले से ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। हाँ। क्योंकि मैं पीएससी के टाइम सब सब्जेक्ट को कंटिन्यू स्टडी कर ही रहा था जी जी। बस अगर देखा जाए तो ग्रुप डी में देखा जाए तो सिर्फ अपना ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, अगर इसमें आपका पकड़ है तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं जी जी। मैं जिस सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मिस्टर केदार सर का जीके ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सीजीपीएससी की तैयारी की है, ठीक है। तो और भी चलिए आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को। सर, मैथ्स रीजनिंग की आपने बात की, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है पढ़ने के लिए? मैथ्स के लिए मैंने दो ठो बुक प्रीफर किया था, एक तो अपना आर एस अग्रवाल का था और एक अंकगणित करके था। अच्छा। वो भी एच डी यादव का था। और अच्छा, वो एच डी यादव अगर देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम के लिए मुझे लगा जी, मेरे व्यक्तिगत तो अनुभव है कि एच डी यादव का बुक बहुत बेहतर है। हाँ। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जैसे एसएससी वगैरह हो गया, सीजीएल वगैरह हो गया जी जी, और आपके रेलवे के लिए जी। और सर, जीके के लिए बात की जाए तो जीके के आपके मैं ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स देखा हूँ, तो आप जीके के लिए सजेशन कीजिए कि जीके के लिए क्या बुक अच्छी हो। अब देखिए, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं सभी सब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर अलग अलग बुक मेरे पास रखा हुआ था। अच्छा, अच्छा। लेकिन अगर बात किया जाए ग्रुप डी की, तो फिर अगर आपके पास लुशेंट का बुक है तो उतने सफिशियंट है, उतने में आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी मार्क्स कितनी आई थी, जो रॉ मार्क्स थी है ना, सीबीटी 1 दिलाने के बाद, या बोलिए तो रिटन एग्जाम जो हुई, तो उसमें कितनी मार्क्स थी सर आपकी? रिटन एग्जामिनेशन में मेरा 57 मार्क्स था। अच्छा अच्छा जी सर। लेकिन और कैटेगरी कौन सा है सर? कैटेगरी में ओबीसी से बिलोंग करता हूँ जी जी। और सर, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितना मार्क्स? नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा मार्क्स 70 चला गया था जी जी। तो सर, इसमें आपका कट ऑफ कितना गया था आपको अगर याद होगा तो? कट ऑफ गया था 68.6 गया था। अगर देखा जाए तो वो वेटिंग में क्लियर हुआ था, लेकिन हाँ। जिस टाइम हम लोग का वो हुआ ना, ज्वाइनिंग हुआ, उस टाइम 69.122 था। ऐसे टाइप का था, अप्रॉक्स इतना मान लेते हैं, ठीक है सर। तो ये तो हो गई मैथ्स रीजनिंग और आपकी तैयारी के बीच में। इसके बाद सर, जब आपका एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, तो उसके बाद फिजिकल एग्जाम के लिए कितने लोग क्वालिफाई किए? फिजिकल के लिए अभी क्वालिफाई हुए थे 3400 और कुछ और थे जो 30-40 ऐसे करके, वो एग्जैक्ट है, हाँ एग्जैक्ट है, आठ नहीं था, राउंड फिगर आप 35 मान सकते हैं। तो उसमें पास कितने हुए सर और फेल कितने हुए? उसमें पास 1700 के अप्रोक्स हुए थे, 1600 अप्रोक्स याद है। बिल्कुल सर, तो उसके बाद आपको चांसेस कितना लग रहा था कि होना ही है करके? नहीं, मुझे अगर जब सीबीटी एग्जाम दिया था उसी टाइम से मैं एकदम कंफर्म था कि एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा करके जी जी। क्योंकि मैं अब देखा रनिंग का भी टाइम था, तो रनिंग में देखा तो जिन लोग का नंबर हाई था, जिस 80-82 वाले नंबर लेकर आए थे, उन लोग रनिंग को क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर एक बार वहां रनिंग गया ना, रनिंग के लिए, तो वहां मुझे क्लियर हो गया था कि इतने में आराम से निकल ही जाएंगे, क्योंकि जितने भी हाई मार्क्स वाले थे हाँ। वो सब डिस्क्वालीफाइड हो रहे थे रनिंग। अच्छा, में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सर ने कि मार्क्स मैटर नहीं करता, आप सिर्फ कट ऑफ के एक दो मार्क्स प्लस रही आपका तो निश्चित है सिलेक्शन, है ना। और जरूरी नहीं है, इससे अच्छा आपको क्या है, रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। तो सर से जानते हैं कि फिजिकल की तैयारी इन्होंने कैसे की। सर, तो पीटी की तैयारी कैसे की है सर आपने? पीटी की तैयारी करने के लिए अगर आप अच्छे से ईमानदारी से कर दे तो फिर 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब काफी है उतना दिन। अच्छा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो, जैसे आप कुछ फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप कंटिन्यूस खेल रहे हो, तो फिर रनिंग आप 10 दिन भी करोगे तो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी बंदे रहते हैं जो दिन भर घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, अप्रॉक्स 1 महीना देना ही पड़ेगा, 1 घंटा से 2 घंटा उन लोग को, तो फिर आसानी से उन लोग भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप कंटिन्यू स्पोर्ट भी खेल रहे हैं, तो आपके लिए टाइम थोड़ा सा हाफ हो जाता है, अगर 15 दिन में भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपने कितने दिनों की प्रैक्टिस की थी या महीनों की बात? मैं वहाँ
कंटिन्यू क्रिकेट खेल ही रहा था, तो फिर मैं 15 दिन प्रैक्टिस किया और 15 दिन में एकदम क्लियर हो ही गया। हालांकि मैं प्रैक्टिस के दौरान 800 मीटर ही करता था, लेकिन जब वहां गया फील्ड में गया तो सब लोग को देख कर एक अलग से एनर्जी आ जाता है, तो फिर वो हो जाता है क्लियर। अच्छा अच्छा, तो ये तो पीटी की बात हो गई सर, और काफ़ी आपने काफ़ी अच्छा चीज़ बताया पीटी में कि मार्क्स से ज़्यादा आपका प्लस वन टू प्लस टू रहे तो फिर भी हो जाता है। सर इसके बाद आपकी क्या लक्ष्य है, क्योंकि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं है ना, और आपकी पोस्ट है सर? मेरा पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4 जी। तो सर इस जॉब के बारे में बताएंगे कि क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि ट्रैकमैन की जॉब बहुत हार्ड है ना, और टफ जॉब है, आप भी समझ रहे होंगे सर और जानते भी होंगे, तो इसके बारे में जो भी आप सच्चाई बात है उसको आप शेयर करेंगे। देखिए अगर देखा जाए अगर आपको कोई भी जॉब करनी है तो वो जॉब तो टफ रहता ही है बिल्कुल, लेकिन आप उसके प्रति आप समर्पित है, आप करना चाहते हो तो फिर आप इजिली कर सकते हो। जैसे अभी स्टार्टिंग में आएंगे तो हम ही लोग को लग रहा था कि कैसे कर लेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, या तो छोड़कर चले जाएं, ये सब थिंकिंग आता रहता था। लेकिन जैसे जैसे 15 से 20 दिन या 1 महीने किया तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे यार तो सिंपल ही काम है, उतना वर्क हार्ड रहे ही नहीं, 1-2 घंटा रहता है फिर फ्री ही रहते हैं। तो सर आगे का आपका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? अब आगे मेरा ये है कि एक तो जुडिशी है और ऊपर से एलडीसी आता है। अब अगर रेलवे डिपार्टमेंट में ही आप जाना चाहते हो तो ये बहुत सुनहरा मौका रहता है ग्रुप डी वालों के लिए, तो मैं उसी के प्रिपरेशन जारी रख रहा हूँ बिल्कुल, और अभी जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें भी अपना बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू रखे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी तक अगर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है ग्रुप डी में जिनका भी सिलेक्शन होता है उनके लिए, कि ग्रुप डी में अगर सबसे अच्छी पोस्ट की बात की जाए, मैं पहला क्वेश्चन पूछ देता हूँ पैसे के मामले में, अगर मनी के मामले में कौन सी पोस्ट है? पैसे के लिए अगर देखा जाए तो पैसे में तो फिर ट्रैक मेंटेनर से ज्यादा पैसा किसी भी है नहीं। अगर ग्रुप डी की बात किया जाए जी तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है ग्रुप डी में से ट्रैक में पोस्ट है। अच्छा, और सर अगर थोड़ा आराम वाले पोस्ट की बात की जाए तो उसमें कौन सी है? आराम वाला अगर पोस्ट देखा जाए तो पॉइंट्स मैन वगैरह है, तो वहाँ सब पॉइंट्स मैन पोर्टर हो गया, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप पैसा देखते हो तो फिर ट्रैक मेंटेनर जॉब अच्छी है। इससे आप लोग को यही समझना चाहिए दोस्तों कि आप लोग को अगर ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट भी मिलती है तो इसमें आप घबराइए मत, क्योंकि आगे बढ़ने का आपको पूरा अवसर मिलेगा, ठीक है? और सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिलाया है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सर से काफ़ी जो भी इन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिए हैं उनसे आप काफ़ी सीखे होंगे। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि अगर जो ग्रुप डी 2021 में जो पेपर अप्रैल के लास्ट में जो टेंटेटिव होने की संभावना है, सर उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही बोल सकता हूँ कि जितने भी मतलब विद्यार्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मैथ्स रीजनिंग में ध्यान दे बिल्कुल। जीके क्योंकि लेवल जीके का लेवल सबका सेम ही रहता है बिल्कुल, किसी से 2 ज्यादा बन जाता है किसी से 5 ज्यादा बन जाता है, लेकिन जो 5 ज्यादा बनने वाला का मैथ्स रीजनिंग थोड़ा वीक रहता है बिल्कुल। तो अगर आपको मैथ्स रीजनिंग में अच्छा पकड़ है, आप एवरेज हो जनरल नॉलेज में, तो फिर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। बस आपका मैथ्स रीजनिंग में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए और रीजनिंग मैथ करे जीएस पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा भी टाइम देते हो, 1 घंटा भी 2 घंटा दे रहे हो कंटिन्यू, तो उतना सफिशियंट है। तो सर ने काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अभी तक फिलहाल जिन्होंने सर की जो बात हुई है हमसे, ठीक है? तो इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सीख मिली होगी, ठीक है दोस्तों? तो बने रहिए मेरे साथ, आपको हर संडे को आप लोग को ग्रुप डी की इंटरव्यू वीडियो मिलेगी, और हर वेडनेसडे को मैं स्पेशल आप लोग के लिए जाता हूँ रेस्ट डे में अपना यूज़ करता हूँ, और एक अदर स्टाफ की वैकेंसी की और साथ में इंटरव्यू की मैं डिटेल्स देता हूँ दोस्तों चैनल में, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।